नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। कब खत्म होगा राजस्थान सीएम का कंफ्यूजन? वसुंधरा राजे इस बार नहीं होंगी सीएम, इस बार मुख्यमंत्री होंगे बालकनाथ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम हो चुका है तय। दिया कुमारी विराजेंगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। चुनावी परिणाम आए हुए 8 दिन हो चुके हैं, ये वो दावे हैं जो तमाम टीवी चैनल्स कर रहे हैं। कुछ इस तरह ही बना हुआ है राजस्थान का राजनीतिक हाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, अपनी मुख्यमंत्री की राह तक रहा है और राजस्थान की जनता सिर्फ कयास लगा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। गोगावेड़ी हत्याकांड के बाद राजपूत समाज धरने पर बैठा हुआ था और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ऊंचे स्वर में कह रहे थे, जब तक हथियारे पकड़े नहीं जाते तब तक राजपूत समाज किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की शपथ नहीं होने देगा। परंतु अब तो कातिल भी पकड़े गए और धरना भी खत्म हो गया है और शपथ लेना तो दूर, राजस्थान अभी मुख्यमंत्री के नाम की राह तक रहा है। अब क्या ही करे साहब, बीजेपी है ही इतनी कंफ्यूज। बीजेपी फैसला ही नहीं कर पा रही है कि कौन राजस्थान के लिए सही होगा। अब इसके साथ ही देख लीजिए कि सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक एक बार फिर से टल गई है और ना जाने कब तक टलेगी। कयास तो लगाया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक आज मंगलवार को होगी, लेकिन यह बैठक भी टल सकती है। जैसे ही विधायक दल की बैठक खत्म हुई वैसे ही सामने आ जाएगा नया सीएम। बता दें कि सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को लेकर रविवार देर रात तक बीजेपी विधायकों के पास बैठक को लेकर कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में अब उम्मीद है कि मंगलवार को हो सकती है बैठक। पार्टी पदाधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी रविवार सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंच चुकी हैं। उनसे मिलने भी लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विधायकों का वसुंधरा से मिलना काफी अहम बताया जा रहा है। बता दें कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, साथ ही पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तय नहीं हो पाया है, लगातार अटकलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक मंगलवार या फिर बुधवार तक भी खिसक सकती है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।